नमस्कार, बीएनएन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं बीके मिश्रा और आप देख रहे हैं भदोही जिले की उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व की उत्तर प्रदेश की सरकार के कार्यकाल का 3 वर्ष पूरा हुआ। 19 मार्च 2017 को सरकार बनी थी और सरकार के कार्यकाल के 3 वर्ष की उपलब्धियों के ऊपर आज की स्थापना बुलाई गई। इसमें बहुत सारे विषय आए हैं। आज उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार ने सरकार बनते ही उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक हो, उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, उत्तर प्रदेश का विकास हो और उत्तर प्रदेश में आम गरीब से लेकर के किसान, व्यापारी, नौजवान सबका साथ सबका विकास हो, इसके लिए बहुत सारी योजनाओं को केंद्र द्वारा संचालित योजना भी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी संचालित योजनाओं को 3 साल के अंदर धरातल पर पहुंचाने का कार्य हुआ। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों के व्यक्तिगत शौचालय, आयुष्मान भारत कार्ड योजना आम गरीबों तक पहुंचाने का कार्य हुआ। इतना ही नहीं, बिजली इन गरीबों को कनेक्शन लेने के बाद उनके पास पैसे नहीं होते थे, उनको भी अभी हो गए जिले में लोगों हमारे जो है बस स्टेशन बन रहे हैं। भदोही जिले का हालांकि जिला बने काफ़ी दिन हुए लेकिन मूलभूत सुविधाओं से जिला अभी दिन नहीं पाया था, लेकिन हमारी सरकार ने 3 साल के अंदर इस जिले में बेहतरी होना चाहिए। जिले में मेडिकल कॉलेज बने, ये भी हमारे प्रोपोजल में। जिले के अस्पतालों की व्यवस्था ठीक हो, ये भी हमारे प्रोपोजल में है। जिले का विकास हो, इसके लिए हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हमने बहुत सारे भदोही जिले के विकास में जो जो कार्य हुए हैं, इसके हमने पुस्तिका बनाने का कार्य किया है और इस पुस्तिका के माध्यम से हम आम जनता तक जाने का भी हमारी कार्य योजना है। और सभी प्रेस मीडिया के बंधुओं से मेरा आग्रह है कि इन हमारे जो ये हर विधानसभा वार्ड और जिले का इंफ्रास्ट्रक्चर 3 साल के अंदर इस कार्यकाल में जितना बढ़ा है, हमने तेजी से जो जो कार्य विकास के किए हैं, चाहे अस्पताल का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, या लोगों के दवाई के क्षेत्र में हो, आम जन सुविधा के क्षेत्र में हो, वो सारी योजनाएँ हमारी में संबद्ध किए गए हैं और उस पर हम अभी आकर 3 साल बीत चुका है, 2 साल ही चुके हैं। भदोही कोई ऐसी योजना है जिसको आपने घोषणा की और पूरा कर दिया? भदोही में हमारी घोषणा सरकार करती है, सरकार की घोषणा दे दी है। कोई ऐसी कोई योजना हो जिसको आपने पूरा किया हो? अभी हमारी सरकार ने घोषणा किया, उसके लिए काम शुरू कर दिया है। घोषणा में घोषणा अभी तो हमको आप बताए नहीं कौन सा कैसा काम, कोई ऐसा जानकारी नहीं जो ऐसा कोई घोषणा बता दें नहीं तो अब जब सरकार ने कोई नई घोषणा अभी नहीं की है तो उसके बारे में बताए कहाँ से समय भी नहीं बचा हुआ है। 2 साल बचा है जिले की, ये सही है कि जिला योजना हमारा बनता है। जिला योजना में जो प्रस्ताव बन करके जाते हैं उसके धन आते हैं, उसका निर्माण होते हैं। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने भदोही जिले के भी विकास में बहुत तेजी से काम किया। 3 साल से वैसे ही पड़ा, एक ज्ञानपुर में है, एक भदोही में है, जो वैसे बंद पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल चालू नहीं हुआ, भ्रष्टाचार भी चढ़ा हुआ है। हॉस्पिटल नए बने हैं, वहाँ हमारे डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं, डॉक्टर बने ही चालू काम अरे चालू काम है, 11 साल से बन रहा है, बनाई नहीं चालू पूरा है। ये 11 साल से हमारी सरकार 3 साल के अंदर तेजी से बढ़ जाए, जल्दी बन जाए, उसके लिए हमारी सरकार प्रयास। आप बस डिपो की बात कर रहे हैं, भदोही में बस स्टैंड बन के तैयार है, ज्ञानपुर में बन के तैयार है, वो बस चलेंगे क्यों नहीं हो रहा है? बस चलेंगे। अच्छा मंत्री ये बताइए, 723 से अधिक ऐसी सड़कें हैं जो गड्ढे वाले हैं, वो कब तक बन रहा है? देखिए, गड्ढा मुक्त अभियान चला करके सरकार ने गड्ढा मुक्ति का कार्य किया है और अगर गड्ढा मुक्ति में कोई सड़क बची होगी तो हम संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात करेंगे क्यों बची। सरकार की योजना रही है,
अगर वो गलती होगी उनके तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी हम करेंगे, इसलिए कि सरकार ने पूरी तरह से निर्देश दिया है कि कोई भी सड़क गड्ढा युक्त नहीं होनी चाहिए और सड़कों का विकास बड़ी तेजी से हो रहा है। मंत्री जी कह रहे थे कि गोशालों के लिए गोशाला के लिए द्वितीय फेज आपकी कोई योजना ला रहे हैं, कुत्ता पशु के लिए क्या है? देखिए, गोशाला हमारा एक बृहद गो संरक्षण केंद्र बन गया जिसमें पशु रखे गए। दूसरा हमारा बन चुका है, हमको लगता है हैंडओवर इसी महीने में हो जाना चाहिए। हैंडओवर हो जाएगा, उसमें भी हम पशुओं को जो हमारे अतिरिक्त पशु हैं उनको वहाँ व्यवस्थित करने का कार्य करेंगे। मंत्री जी, घुमरते पशुओं की बात करना है, हर महीने दो महीने तीन महीने में पशुओं को पकड़ा जाता है, फिर कुछ महीने बाद देखा जाता है कि रोड पे पशु दिखने लगते हैं, उन पशुओं की टैगिंग क्यों नहीं होती है सरकार के द्वारा? ये पूरी तरह से टैगिंग हो, इसके लिए 15 मार्च से सरकार ने एक अभियान चलाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 सितंबर को मथुरा में पूरे देश भर का पशुओं को टीका बृहद पैमाने पर टीकाकरण हो, पशु स्वस्थ हो, उसका उद्घाटन करने का कार्य किए थे। आज 15 मार्च से वो अभियान हमारा चल रहा है प्रदेश में। आने वाले समय में उस अभियान के माध्यम से एक भी पशु नहीं बचेगा, सभी पशुओं को टीकाकरण होगा, जो रखने वाले पशु हैं उनको ट्रेनिंग करने का भी काम होगा। ये सही बात आप कह रहे हैं, कुछ पशुपालक जब पशुओं को ट्रेनिंग करने के लिए विभाग के लोग जाते हैं तो मना करते हैं कि हम अपने को नहीं कराएंगे, लेकिन विभाग का प्रयास है उनको भी हम करेंगे। जो मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा की थी कि वराई की जो चीनी मिल है उसमें बायोफ्यूल प्लांट बनाया जाएगा, लगभग 2 साल से ऊपर हो गया। सरकार की योजना है उसको हम बनाएंगे। अभी हमारे जहाँ गन्ना के क्षेत्र ज्यादा, जिस जनपदों में ज्यादा गन्ना के किसान थे उन क्षेत्रों के गन्ना मिलों को चला करके उनको इस मिल में ये था ना सर कि इसको मिल नहीं चालू करें, इस मिल की जगह बायोफ्यूल प्लांट बन जाए, तो सरकार की योजना में है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना में रखा है उसको। मंत्री जी, कोरोना बरत रही है, जगह जगह सारे कार्यक्रम निरस्त हो जा रहे हैं, तो आज जिला योजना के का बैठक है उसमें काफी गैदरिंग होगी, तो क्या इस प्रोग्राम को टाला नहीं जा सकता? नहीं, ये बैठक जो है 50-60 लोगों की बैठक करने में कोई रोक नहीं है, इतनी संख्या की बैठक की जा सकती है, ऐसा है। बड़ी गैदरिंग वाले मीटिंग में हम नहीं जाएंगे, 50 लोगों की संख्या अगर है तो बैठक।